हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। पाई गांव में पानी निकासी को लेकर पिछले काफी समय से समस्या बनी हुई थी, जिसके कारण किसानों के खेतों में पानी भरा हुआ था। करीब 200 एकड़ भूमि में पानी भरा था, लेकिन पानी निकासी के पुख्ता इंतजाम न होने के कारण कई बार ग्रामीण मांग कर चुके थे। जिला परिषद चेयरमैन को भी इसकी शिकायत दी थी, जिसके बाद मौका मुआयना किया गया और आपसे समझौते से पानी की निकासी के लिए प्रयास किए गए, लेकिन प्रयास सफल नहीं हुए तो दूसरी तरफ से रास्ता बनाया गया और पानी की निकासी करने के लिए कार्यवाही की गई। इस मौके पर जिला परिषद की तरफ से आश्वासन दिया गया कि अगले वर्ष तक पुख्ता इंतजाम करके पानी की निकासी दुरुस्त की जाएगी, ताकि किसानों को किसी तरह की परेशानी ना हो। इस कार्यवाही के दौरान खरखेदा तहसीलदार व पटवारियों की टीम, पूर्व चेयरमैन राजवीर दहिया व पुलिस प्रशासन भी उपस्थित रहा। कई गांव में पानी निकासी को लेकर क्या कुछ मामला था, क्या बताना चाहेंगे? कम से कम 250-300 एकड़ जमीन में ज़्यादा पानी भरा हुआ है, और पहले हर साल जो निकासी होती थी, अब की बार उन लोगों ने वहाँ के निकासी होने से रोक दिया गया। तो मौके पर तहसीलदार साहब और पुलिस प्रशासन और मैं भी गया था, लेकिन मेरा पहले ये मकसद था कि भाई इनका बैठ कर और इस बात पर सर्वसम्मति हो जाए कि भाई अब की बार यहाँ से पानी निकासी करने दें और अगली बरिया में इसका सताई समाधान कर दूंगा। लेकिन काफ़ी देर तक बातचीत हुई, लेकिन उसका कोई वहाँ का कोई समाधान निकला, तो हमने दूसरी तरफ का रास्ता खदवा के और निकासी के इंतजाम कर दिए गए हैं, और आगे चलकर इसका मैं सताई समाधान करूँगा, ताकि पाई निवासियों को किसी प्रकार की पानी की कोई आगे दिक्कत ना हो। लगातार खबरों से बने रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।